मैं आज बताऊंगा प्रेशर इनसाइड बबल्स ड्रॉपलेट एंड जेट. प्रेशर इनसाइड इनसाइड जेट ड्रॉप एंड बबल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. पहले तो ये समझिए कि देखिए प्रेशर जो है इनसाइड जेट ड्रॉप एंड बबल जैसे लिखा हुआ है तो एकदम क्लियर कट ये समझ लीजिए कि बबल ड्रॉप या जेट के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर से ज़्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फ्री सरफेस है फ्लूइड की, इसके ऊपर कोई बबल बना हुआ है तो इसके अंदर जो प्रेशर है, बाय द वे ये एटमॉस्फेयर के लिए फ्री है वो बाहर, लेकिन इसके अंदर का जो प्रेशर है, इस बबल के अंदर जो प्रेशर है वो पी बी जो है ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. एक चीज तो ये है. और ये एक्चुअली होता क्या है कि ये गेज प्रेशर होता है. ये जो इसके अंदर जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये प्रेशर इनसाइड, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो हम बात करेंगे वो होगा गेज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर से ऊपर ऊपर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर कितना है. इसलिए कभी कभी इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि एक्सेस प्रेशर, कभी कभी हमको ऐसे भी कहते हैं एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं. एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड जेट ड्रॉप और बबल. तो क्या होगा, देखिए इसका ट्रिकी सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सामने बनाया हुआ है. कि देखो अगली चीज ये भी क्लियर कर लीजिए कि जो प्रेशर जो है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेशर जो एक्स्ट्रा जो होता है बबल के अंदर या बबल ड्रॉप या जेट के अंदर जो प्रेशर जो होता है वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस वजह से होता है एक्सेस प्रेशर, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है. तो इसका देखिए सिंपल छोटी सी सिंपल ट्रिक की वजह से मैं ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने. ट्रिकी के अंदाज में क्या है कि देखिए आप लोग इतना तो याद रखेंगे कि जो प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर होता है जेट या बबल के अंदर, वो सिग्मा और डी के फॉर्मूले के फॉर्म में होता है, सिग्मा अपॉन और डी के रेशियो के फॉर्मेट में होता है. उसके लिए कि आप एक ट्रिक याद करिए, जिंदाबाद जिंदाबाद. बाय द वे देखिए अक्सर एक वर्ड होता है जिंदाबाद, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं जिंदाबाद. जिंदाबाद को हमने अपने पॉइंट ऑफ थोड़े पर्पज के लिए जिंदाबाद कर लिया है. जिंदाबाद में देखिए क्या क्या है, ये पीछे वाला जो बा है इसके जो पीछे वाला जो बा है इसके मतलब है बबल. ये दा के मतलब है ड्रॉप यहां पर, और जो ज के मतलब है वो है जेट. कुछ इस तरीके से है, यानी आप जिंदाबाद सिग्मा बाई टू सिग्मा बाई डी सिग्मा बाई डी, यानी एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड प्रेशर होगा 248 कर दीजिए, यानी एक्सेस प्रेशर या प्रेशर इनसाइड जेट इज 2 सिग्मा बाई डी. जिंदाबाद ड्रॉपलेट के अंदर आपका 4 सिग्मा बाई डी और बबल के अंदर 8 सिग्मा बाई डी. वेयर आप लोग जानते हैं सिग्मा इज द सरफेस टेंशन है, डी इज द डायमीटर. डायमीटर ड्रॉप तो ड्रॉप का डायमीटर, बबल है तो बबल का डायमीटर, और जेट है तो जेट का डायमीटर. अगर इसको रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, डी इक्वल टू आर रख करके वो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो इस तरीके से बहुत सिंपल ट्रिक है, जिंदाबाद जेट ड्रॉप बबल 248, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिए सिग्मा बाई 8, यानी बबल जेट के अंदर 2 सिग्मा बाई डी, ड्रॉप के अंदर 4 सिग्मा बाई डी एंड जेट बबल के अंदर आपका 8 सिग्मा बाई डी. एक्सेस प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसलिए ये जो प्रेशर है इन प्रेशर्स को हम गेज प्रेशर भी कहते हैं. ये भी एक ध्यान रखने की चीज है कि ये जो प्रेशर निकल के आए हैं ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर या जेट के अंदर, ये गेज प्रेशर है, ये गेज प्रेशर है, ध्यान रखने की चीज है ये, दिस इज गेज प्रेशर. अगर आप लोगों को हमारा चैनल, हमारा ये इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर कोई आपको कोई भी टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड कोई नहीं समझ में आ रहा है, समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक की छोटी सी वीडियो आपके लिए बना करके पोस्ट कर देंगे. शुक्रिया.